राजेंद्र कुमार दोनों अडानी से कम हमारे 15 परिवार कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं। वर्तमान में बहुत भ्रष्टाचार, मोदी जी के अच्छा काम किया मोदी जी ने। मशहूर सिंह रैयावाड़ी से। भाई साहब, हमने आप कांग्रेस छोड़ के और बीजेपी ज्वाइन की। आज विधानसभा चुनाव 2023 जियां जियां नेड़े आन लाग रहे हो है, बियां बियां पार्टियां नाता तोड़ दूसरी पार्टी में लोग भाजन लाग रहे है। इस तरह का माहौल आज पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप रे निवास पर देखे गए हो। कांग्रेस पार्टी ने छोड़ बीजेपी आज वहाँ ज्वाइन करी है। डॉक्टर राम प्रताप वन अपनी पार्टी में रीति नीति बतार शामिल करे है। चलो फिर थाने सुनावा, अमित साहू बीजेपी नेता युवा नेता है, ई मौके पर वह के कह लाग रहे हो, पहले वह सुना दिया फिर थाने सुना वाला जिका आज बीजेपी के मां शामिल होया बांगो के कहना है, तो हमारे साथ बने रहियो। करणीसर से जीपुरा पंचायत की दूधवाल ढाणी से काफी परिवार भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को पसंद करके आदरणीय मोदी जी के कार्यक्रमों से प्रेरित होके और डॉक्टर राम प्रताप जी के जो काम थे उनकी वजह से आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी में इन सभी परिवारों का स्वागत है और जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है ये इसकी शुरुआत आप ये कह सकते हैं हो चुकी है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 2023 और 2024 में भारी मतों से चुनाव जीत के न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनेगी, जिससे ये हमारा प्रदेश जो पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसा हुआ है वो निश्चित रूप से जो विकास की गति है जो रुकी हुई है वो स्पीड से चलेगी और प्रदेश खुशहाली की ओर बढ़ेगा। पूर्व में कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे और आज ये इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। लगभग 15 परिवार है, 15 परिवार रैया वाली से और 15 परिवार दूधवाल ढाणी से परिवार है, तो आप उनके वोटों की संख्या आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, 30 परिवार। चलो फिर थाने सुनावा जेका कांग्रेस पार्टी ने छोड़ आज बीजेपी में शामिल होया है, बांगो बीजेपी में आन रो कारण के है, मैं थाने सुना दिया, सुनियो जरा। राजेंद्र कुमार दूधवाल ढाणी से कम हमारे 15 परिवार कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्योंकि बीजेपी की अच्छी नीति अच्छा राज इसी कारण हम बीजेपी अच्छा विकास किया है, इसीलिए हम कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जैसे हम कांग्रेस ही थे, कभी भी हम बीजेपी में नहीं थे, अभी कांग्रेस में थे शुरू से। वर्तमान में बहुत भ्रष्टाचार, सही काम नहीं, विकास नहीं हुआ और क्या कहूँ, आप खुद मोदी जी गए अच्छा काम किया मोदी जी ने, अच्छा विकास किया है, इसीलिए हम मोदी जी से प्रेरित होकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। रैयावाड़ी से। भाई साहब, हमने आप कांग्रेस छोड़ के और बीजेपी ज्वाइन की। आज बीजेपी का जो विकास है वो बहुत अच्छा है, इसमें भ्रष्टाचार नहीं है। जैसे यूपी में देख लो, योगी हैं और ऊपर सरकार है, मोदी जी हैं और बिल्कुल भी भ्रष्ट नहीं है। जो काम है विकास को देखकर हम आज बीजेपी में आए हैं। कांग्रेस की इतनी योजनाएं चलाई जा रही है अशोक गहलोत के द्वारा, उन पर क्या कहना है आपका? वो जी योजना सिर्फ कागजों में चल रही है और आम जनता कोई लाभ नहीं है उनका, सिर्फ कागजों में वो योजना चल रही है, आम जनता कोई लाभ नहीं मिल रहा, मुझे किसी भी योजना का कोई लाभ नहीं मिला जी। हम जी उस सभा में आए हुए थे जब राहुल गांधी ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गिने थे कि 10 दिनों में कर्ज माफ होगा। हम भी वहां थे और हमने भी ये सोचा था भी कर्ज माफ होगा, डिफॉल्टर तो जरूर हो गए क्योंकि बैंक नहीं भरा और कर्ज माफ तो नहीं हुआ। देखो जी आ सिलसिलो अब चल निकले हुआ है, अब आने वाले दिनों में देखा बीजेपी में कितना भाजपा जी के आवे और कोई बीजेपी वालों कांग्रेस में भी जावे कि कौन जावे, आ भी देखने वाली बात होवेली। चलो फिर थाने आगे वीडियो जारी कर पतावाला बीजेपी में कितना आया और कांग्रेस में कितना गया। कलम रुझ रहे वास्ते गुरदेव सिंह सैणी री हनुमान गाड़ू रपट।